क्या कुंभ पर्व पर इन स्थानों में नदियों में स्नान करने मात्र से अमृतत्व या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? लालदास जी, पुराणों में वर्णित वो अमृत भी वास्तव में इस नश्वर जगत का ही है, जिसका पान कर देवता भी स्वर्ग में ही रहते हैं, किंतु महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ सहित सभी 14 लोकों का लय हो जाता है। इसलिए सत्य ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, जिसे पाकर जीव अखंड मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कर देखाई कोट बेर सोहना मिलो करता, अंदर नाही निर्मल। इन्होंने ना ही भगवे वस्त्र धारण किए हैं, ना ही सिर मुंडाया है, कुछ अलग प्रकार की वेशभूषा है इनकी। आखिर ये किस पंथ के आचार्य हैं? मेरे मन में भी यही संशय हो रहा है। इनकी वेशभूषा किसी भी प्रचलित संप्रदाय की मान्यता के अनुकूल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ये औरंगजेब के भेजे गुप्तचर हो? इसकी सूचना हमें शीघ्र ही सभी धर्माचार्यों को देनी होगी और उनसे इस विषय में विचार विमर्श करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, यदि वो औरंगजेब के आदमी निकले तो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कई बार की तरह मुगल सेना हम पर फिर से हमला कर सकती है। ठीक है, जल्दी चलो। हो सकता है कि वे औरंगजेब के गुप्तचर हों, किंतु यह भी हो सकता है कि वे सही में कोई ज्ञानी संत हों। इसलिए हमें सर्वप्रथम उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। आपका कथन पूर्णतया उचित है। मेरे विचार से उन्हें कल की धर्म सभा में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान वार्ता के माध्यम से हमें उनकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। हाँ, यही उचित रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। ठीक है, यही उचित है। ठीक है, तो सर्वसम्मति से कल की सभा में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय। मान्यवर, आपकी वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी नए पंथ के मानने वाले हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक ना सुना है ना कभी देखा है। कृपा करके आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। हे आचार्य जनों, हम तो यहां सत्य ग्रहण करने की भावना से आए हैं।
आप सब तो अति प्राचीन मत पंथों को मानने वाले हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब क्रमशः अपने अपने मत पंथ का परिचय दें एवं अपनी अपनी पद्धति विस्तृत रूप से बताएं तथा उस पर हमारा जो भी संशय हो उसे वेद शास्त्रों के आधार पर दूर करने का कष्ट करें। हे महात्मन, हम रामानुजाचार्य के अलौकिक पंथ को मानने वाले हैं। हमारी पद्धति लक्ष्मी जी से चली है। हम सामवेद को मानते हैं। हमारा क्षेत्र पद्मनाभ है। सुख विलास का स्थान मेलकोटा है। हमारी इष्ट लक्ष्मी जी हैं। 14 लोकों में सबसे ऊपर वैकुंठ लोक है, जहां हमें सामिप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को हम अपना तीर्थ मानते हैं। कमला हमारी देवी है, नारायण हमारे देवता हैं और विष्णु हमारे आचार्य हैं। आचार्यवर, आपने अपनी पद्धति में जो कुछ भी बताया है वो इस क्षर जगत के अंतर्गत ही आता है और वेद आदि ग्रंथों के अनुसार महाप्रलय में 14 लोकों सहित संपूर्ण प्रकृति मंडल लय को प्राप्त हो जाता है। तो फिर इस स्थिति में वैकुंठ की सामिप्य मुक्ति किस प्रकार अखंड रहेगी? न असत आसीत न सत आसीत तदानीं न आसीत रज न व्योम परोयत। सृष्टि की रचना से पूर्व न अव्यक्त प्रकृति थी न व्यक्त जगत था। उस समय नाना लोक भी नहीं थे, न आकाश था, उससे भी परे जो सूक्ष्म है वो भी नहीं था। हम निम्बार्क आचार्य के सिद्धांतों को मानते हैं। हमारी शाला मथुरा है, धर्म क्षेत्र पवित्र गोकुल है, सुख विलास का स्थान वृंदावन है और धाम द्वारिकापुरी है। गोमती नदी तीर्थ है, इष्ट रुक्मणी है। हम यजुर्वेद को मानते हैं। हमारी देवी वृंदा है। हम वैकुंठ की सारूप्य मुक्ति को मानते हैं। विष्णु के वाहन गरुण हमारे देवता हैं। आचार्यवर, वास्तव में आपने श्री कृष्ण लीला के रहस्यों को पूर्णतः नहीं समझा है। तभी गोकुल वृंदावन में पर ब्रह्म की शक्ति के द्वारा होने वाली ब्रह्म लीला को मथुरा द्वारिका में विष्णु भगवान की शक्ति से होने वाली लीला के समकक्ष मान रहे हैं। वो ब्रज एवं रास लीला इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में आज भी अखंड है। उसका ज्ञान न होने से आप द्वारिका को धाम मान रहे हैं और वैकुंठ की सारूप्य मुक्ति की चाहना कर रहे हैं, जबकि वेद शास्त्रों के अनुसार महाप्रलय में संपूर्ण क्षर जगत लय को प्राप्त हो जाता है। वृंदावनाश्रय लीला साक्षरात् परतः परा गुह्याद गुह्यत रागम्या नित्याक्षर हृदि स्थिता। नित्य वृंदावन के अंदर जो गुह्य लीला हुई वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म की लीला थी। वो गुह्य से भी गुह्य और मनवाणी से अगम है। वो लीला अब अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड है। यद ब्रह्म परमेश्वरयम् नित्य वृंदावने स्थितम् तदेव गोकुले प्रोक्तम् बाल्य कैशोर भेदवतम्।
नित्य वृंदावन में परब्रह्म की लीला रूप जो परम ऐश्वर्य स्थित है, वही गोकुल में भी स्थित है। अंतर मात्र इतना है कि गोकुल में बाल्य लीला है और नित्य वृंदावन में किशोर लीला है। वैकुंठ वैभव च यच्च मथुरा द्वारिकाश्रितम् मध्ये वृंदा मधुवनम् यच्च मध्यालयाश्रयम्। वैकुंठ का जो वैभव है वो मथुरा और द्वारिका में स्थित कहा गया है, और वृंदावन तथा मथुरा के बीच में हुई लीला मध्यासीनवर्ती गोलोकी स्वरूप की है। हे महात्मन, अब हमारे विष्णुश्याम संप्रदाय की पद्धति को ध्यान से सुनिए। विष्णु कांची हमारी शाला है, श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ है, वैकुंठ हमारा धाम है, लक्ष्मी जी हमारी इष्ट है, जगन्नाथ भगवान की हम उपासना करते हैं और अथर्ववेद को मानते हैं, जल बिंब ऋषि हमारे देवता हैं। इस संप्रदाय के पालन करने से हमें वैकुंठ में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। आदरणीय आचार्य जी, आपने अपनी पद्धति में धाम, उपास्य, मुक्ति आदि जो भी वर्णन किया है वो सब 14 लोकों के अंतर्गत ही आता है। वेद एवं पुराणों के अनुसार महाप्रलय में मोह तत्व पर्यंत 14 लोक आदि नारायण आदि संपूर्ण क्षर जगत का लय हो जाता है। इस प्रकार विनश्वर देवों की उपासना से मुक्ति की प्राप्ति किस प्रकार संभव हो सकती है? संख्या चेद्र सामस्ति न विश्वानां कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादिनां तथा संख्या न विद्यते। हवा में स्थित धूलि कणों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है, यदि वो गिन भी ली जाए तो भी उत्पन्न और लय होने वाले ब्रह्मांडों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश की भी गिनती संभव नहीं है। हम माधवाचार्य जी के मत के मानने वाले हैं। हमारी शाला अवंतिकापुरी है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, बद्रीनाथ हमारा धाम है, अलकनंदा नदी हमारा तीर्थ है, सावित्री देवी इष्ट हैं, हम ऋग्वेद को मानते हैं, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। इस मत के पालन से हमें वैकुंठ में सालों की मुक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्यवर, आपने अपनी पद्धति में जो कुछ भी कहा है वो सब नश्वर जगत के अंतर्गत ही आता है, तो फिर जीव को अखंड मुक्ति कहां और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? वैकुंठ कोई अनादि अखंड स्थान नहीं है। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। हमारा मत परमहंसों का मत है। हमारे मत के अनुसार गृह त्याग कर संन्यास धारण करना ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। हमारे 4 मठ हैं, जिनमें एक एक वेद और 12 महावाक्यों के प्रचार का नियम है, जिनमें से 4 मुख्य हैं। अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। अयम् आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। तत्त्वमसि, अर्थात तुम भी वही हो। प्रज्ञानम् ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। जब तक साधक अपने हृदय में
सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म का भाव धारण नहीं कर लेता तब तक वो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस मत का पालन करने से नारायण भगवान की प्राप्ति होती है जो संपूर्ण जगत में व्यापक है। स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वरूप धाम और लीला का बोध हुए बिना अखंड मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार नारायण क्षर पुरुष के स्वरूप हैं। महाप्रलय में पाताल से लेकर मोह तत्व तक संपूर्ण क्षर जगत लय को प्राप्त हो जाता है। पर ब्रह्म का शुद्ध अविनाशी एक रस त्रिगुणातीत स्वरूप इस क्षर जगत से परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम में है। इस जगत के अंदर ब्रह्म की सत्ता मात्र है। अहम् ब्रह्मास्मि आदि 12 महावाक्यों का कथन भी इस नश्वर जगत से परे अनादि दिव्य ब्रह्मपुर धाम में घटित होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का एक जैसा स्वरूप है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है। जगत को और स्वयं को ब्रह्म रूप मानकर निश्चिंत हो जाना अज्ञानता है। साकारस्य विनाशो अस्ति निराकारस्य शून्यत्वाच्छु अन्यस्य च वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्नं वस्तु ज्ञानं मोक्षः। जितने भी साकार पदार्थ हैं वे सब स अवयव होने से नश्वर हैं और निराकार शून्य होने से सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म साकार निराकार दोनों से भिन्न वस्तु है। न्याय दर्शन के अनुसार हम ये मानते हैं कि माया जीव तथा ईश्वर तीनों ही एक दूसरे से भिन्न और अनादि हैं। कार्य रूप प्रकृति अर्थात स्थूल जगत भले ही लय को प्राप्त हो जाता है किंतु कारण प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में नित्य बने रहती है। ब्रह्म भी इसी जगत में सर्वव्यापक है। इस जगत में दुख की 21 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार कर लेने पर जीव को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। आचार्यवर, ब्रह्म के धाम व स्वरूप को न जानने के कारण आपने प्रकृति के अंदर ही ब्रह्म को व्यापक मान लिया है, किंतु ये तथ्य भी विचारणीय है कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व सूक्ष्म परमाणुओं का सागर भी था या नहीं, और उस समय विनाशी ब्रह्म का स्वरूप कहां था। यदि परमात्मा भी इस जगत में दुख की 21 सीढ़ियों में है तो फिर अखंड सुख की प्राप्ति कहां होगी। वास्तव में अक्षर ब्रह्म के चौथे पाद अव्याकृत में सुमंगला शक्ति का स्थान है, जो संकल्प मात्र से सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है। सृष्टि से पूर्व व्यक्त जगत अव्यक्त कारण प्रकृति तथा परमाणु भी नहीं थे। उस समय केवल एक अविनाशी ब्रह्म और उसके चारों पाद अखंड रहते हैं। वेदाहमेतन् पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते यनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना
मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। हमारे मीमांसा दर्शन के अनुसार दुनिया में कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही सुख दुख प्राप्त होता है। कर्म से ही जीव ईश्वर ब्रह्म की उपाधियां भी हैं। कर्म अनादि है और अनूप है। कर्म से ही जीव दुख से मुक्त होकर ब्रह्म रूप बन जाता है। इस प्रकार कर्म ही ईश्वर है। हे आचार्यवर, ब्रह्म तो अखंड एक रस स्वरूप वाला होता है, जबकि कर्म में सदैव भ्रांति रहती है, उसमें स्थिरता नहीं होती है, वो बनते व मिटते रहता है। जीव के अहंकार और मन का जब इंद्रियों से संयोग होता है, तब कर्म की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्म के अखंड स्वरूप तक मन बुद्धि अहंकार की ही पहुंच नहीं है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म से उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वेदों में कहा गया है कि उस ब्रह्म को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर तो पूर्व संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हमारे सांख्य मत के अनुसार इस सृष्टि के मूल कारण पुरुष और प्रकृति है, जो सबसे परे हैं। दोनों ही नित्य व अनादि हैं। उनके मिलने से ही यह सृष्टि बनती है और अलग होने से लय हो जाती है। आचार्यवर, कृपया स्पष्ट करें कि पुरुष का स्वरूप क्या है। यदि आप पुरुष का स्वरूप निराकार कहते हैं, तो जब महाप्रलय के पश्चात प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा, उस समय ये दोनों कहां व किस प्रकार मिलेंगे? वास्तव में अक्षर ब्रह्म के हृदय में असंख्य ब्रह्मांडों को देखने की जो इच्छा शक्ति है, उसे मूल प्रकृति कहते हैं। ये मूल प्रकृति ही सूक्ष्म परमाणुओं के महासागर कारण प्रकृति को पैदा करती है, जिससे संपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत की रचना होती है। बृहति परिमात्राया मातुर मात्राधि निर्मिता माया यज्ञे मायया मायाया मातली परी। हम वैशेषिक दर्शन को मानने वाले हैं। हमारे मत के अनुसार काल ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। वही सबका मूल है। उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। वही इसका संचालन करता है और अंत में वही सबको खाकर खत्म कर देता है। काल रूप ब्रह्म निराकार है और संपूर्ण जगत में व्यापक है। किंतु आचार्यवर, काल तो जड़ वस्तु है, उसे चेतन व आनंद घन ब्रह्म कैसे माना जा सकता है? काल तो परिवर्तनशील होता है, जबकि ब्रह्म का स्वरूप अखंड व एक रस होता है। वो ब्रह्म इस प्राकृतिक जगत से सर्वथा परे है। इस जगत के कण कण में उसकी सत्ता मात्र है, जिससे सृष्टि का संचालन होता है। वेद शास्त्रों में भी ब्रह्म का स्वरूप
कालातीत कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु च रुद्र सुरपति रमराना असुराना एव पृथ्वी ना आपो ना अग्नि ना वायु ना गगनतलम ना दिशा ना एव काल नो वेदा नैव यज्ञा न च रवि शशिनो ना विविधो विकल्प स्वर ज्योतिः सत्यमेकं जयति तव पदं सच्चिदानंद मूर्ते। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि देव तथा जल वायु अग्नि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश दिशा और काल भी जब नहीं थे तब भी परात पर एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म थे। हमारे पातंजल मत के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापक है और वो सभी प्राणियों के अंदर भी है। हठ योग की क्रियाओं से शरीर का शोधन करके योग के आठों अंगों का पालन करने से इस शरीर में ही ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और जगत का कारण रूप है। ब्रह्म में ही ये संपूर्ण जगत बनता है और उसी में ही सूर्य में किरणों की भांति स्थित होता है। किंतु आचार्य जी, ब्रह्म तो सत्य चित्त एवं आनंद का स्वरूप है, जबकि ये जगत असत जड़ और दुख का रूप है। यदि ब्रह्म इस जगत में व्यापक है तो इस जगत में ब्रह्म के लक्षण क्यों नहीं है? सूर्य और उनकी किरणों में अंतर नहीं होता है, जबकि माया और ब्रह्म के स्वरूप में तो बहुत अंतर है। ब्रह्म के स्वरूप व धाम का ज्ञान हुए बिना उसकी धारणा संभव नहीं होती है और धारणा के बिना ब्रह्म का ध्यान व समाधि भी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जिसकी धारणा की जाती है समाधि में उसी का अनुभव होता है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तं न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्युरात्मानं धीरं अजरं युवानम्। लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमयी रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस पर ब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। हम वेदांत दर्शन के मानने वाले हैं और हमारे मतानुसार ब्रह्म के समान माया भी अनादि है, किंतु वो सदा ब्रह्म के अंदर ही रहती है। संपूर्ण जगत में सूक्ष्मतम अणु से लेकर हाथी तक में एक ही ब्रह्म का वास है। जिस प्रकार सीप में चांदी की भ्रांति होती है, वैसे ही अज्ञान के कारण ब्रह्म में मायामयी जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। नहीं तो ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव भी ब्रह्म रूप हो जाता है। आचार्यवर, जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो उस अद्वैत ब्रह्म में माया का अस्तित्व किस प्रकार संभव हुआ? यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो सृष्टि में अज्ञान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो प्रकिष्ठ ज्ञान स्वरूप होता है। ऐसी स्थिति में वेद शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही संपूर्ण जगत में प्रेम एवं आनंद दृष्टिगोचर होना चाहिए था। सीप में चांदी की भ्रांति एक तीसरे व्यक्ति को ही होती है।
किंतु आपकी मान्यता के अनुसार ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो यह भ्रांति किसको होती है? बहुत ज्ञानवार्ता हो गई है, सभी आचार्यगण थक गए होंगे, इसलिए आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। कल की सभा में यहाँ पुनः भेंट होगी। आखिर ये कौन महापुरुष हैं? हम तो इन्हें साधारण महात्मा समझ रहे थे, किंतु ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी लगते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हमें कल ही इनका विस्तृत परिचय प्राप्त करना होगा। जिस तरह से आज उन्होंने हमारे संप्रदाय का विस्तृत परिचय पूछा है, उसी प्रकार हम भी कल उनका परिचय और उनके संप्रदाय की पद्धति पूछेंगे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रणाम आचार्य जनों, जल्दी बाहर चलिए, आकाश में पुच्छल तारे का मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। जी, इस समय पुच्छल तारा निकलने का क्या आशय हो सकता है? लालदास जी, ये पुच्छल तारा हमारी साक्षी देने के लिए प्रकट हुआ है। कल जब हम सभा में सभी आचार्यों के समक्ष अपनी पहचान व पद्धति बता रहे होंगे, तो ये पुच्छल तारा शास्त्रों की भविष्यवाणियों की पुष्टि करेगा। दश सहस्त्र वर्षाणि पंच सूर्येन्दु पर्वणि कलक्षय भविष्यति सप्त तारेक स्वग्रही। हे महात्मन, हम सबने अपने अपने संप्रदाय की विचारधारा आपके समक्ष कल प्रस्तुत की थी। अब आपसे निवेदन है
कि आप भी अपने पंथ का कृपया परिचय दें। इसे जानने के लिए आपको हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व का अवलोकन करना होगा। अभाविनो भविष्यन्ति मूनयो ब्रह्मरूपिणः उत्पन्नाय कलौ युगे प्रधान पुरुषाश्रयः अर्थात वे ब्रह्मरूप मुनि 28वें कलयुग में इस जगत में प्रकट होंगे, जो पहले कभी भी इस जगत में नहीं अवतरित हुए हैं। उनकी ये पहचान होगी कि वे एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अनन्य भाव से उपासना करेंगे। मान्यवर, हमें आपके पंथ के विषय में विस्तृत रूप से जानने की जिज्ञासा हो रही है, कृपया आप हमें अपनी पद्धति विस्तृत रूप से बताने का कष्ट करें। ठीक है, मैं आप सबके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप सबके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप सब एक एक करके पूछते जाइए। आपके मत में सद्गुरु किसे मानते हैं? आनंदमयी स्वरूप वाले पर ब्रह्म को हम अपना सद्गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप सब कौन सा सूत्र धारण करते हैं? हम अक्षर ब्रह्म रूपी सूत्र को धारण करते हैं, यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रम इति धारयेत। आपकी शिखा किस प्रकार की होती है? अक्षर से भी परे, अक्षरातीत पर ब्रह्म के स्वरूप की अलौकिक शोभा ही हमारी शिखा है, क्योंकि हम उसी का ध्यान करते हैं। शिखा ज्ञानमयी अस्य उपवीतम च तन्मयम्। आप किसकी उपासना करते हैं? हम क्षर अक्षर से परे एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत को उपास्य मानते हैं। उत्तम पुरुषः त्व अन्यः परमात्मा इति उदाहरतः। आपका गोत्र क्या है? चिदधन व आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ही हमारा गोत्र है, क्योंकि सभी आत्माएं उन्हीं की अंग रूपा हैं। आपकी इष्ट कौन है? परब्रह्म की अहलादिनी शक्ति श्री श्यामा जी हमारी इष्ट हैं, जो किशोर स्वरूप वाली हैं। गुणातीतम तू तद्धाम सुंदरम सर्व दुर्लभम युगलम क्रीडते तत्र नित्य धामनी सुखास्पदे। आपके मत अनुसार परब्रह्म की प्राप्ति का क्या साधन है? परब्रह्म की प्राप्ति एकमात्र पतिव्रता साधना से होती है। हम परब्रह्म अक्षरातीत को अपनी आत्मा का पति मानते हैं, और एक पतिव्रता स्त्री के समान अनन्य भाव से उसकी उपासना करते हैं। आपके पंथ में किस नाम का जप करते हैं? हम युगल स्वरूप पर ब्रह्म के नाम का जाप करते हैं। आप कौन से मंत्र को मानते हैं? हम तारतम ज्ञान रूपी मंत्र को मानते हैं। आपकी देवी कौन है? अज्ञान दूर करके
भवसागर से पार करने वाली ब्रह्म विद्या ही हमारी देवी है। आपकी पूरी कौन सी है? नौतनपुरी हमारी पुरी है, जहां सर्वप्रथम तारतम ज्ञान प्रकट हुआ था। आपके मतानुसार कुल कितने पक्ष हैं? हमारे मतानुसार पाताल से लेकर परम धाम तक कुल 108 पक्ष हैं। आपकी शाला कहाँ है? हमारी शाला गौलोक है, जहां पर ब्रह्म अक्षरातीत एवं ब्रह्मात्माओं के द्वारा की गई ब्रजलीला आज भी अखंड रूप से चल रही है। आपका क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है, जहां अज्ञान जनित सभी दुख खत्म हो जाते हैं। आपके सुख विलास का स्थान कहाँ है? हमारे सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है, जहां पर ब्रह्म अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं के साथ कभी रास लीला की थी। ये लीला आज भी अखंड है। आप अपना ऋषि किसे मानते हैं? हम आदि नारायण जी को अपना ऋषि मानते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से सभी धर्म ग्रंथों में पर ब्रह्म से संबंधित साक्षियां लिखवाई गई हैं। आप किस वेद को मानते हैं? हम स्वसंवेद अर्थात तारतम वाणी को मानते हैं, जिसमें चारों वेदों के गुह्य रहस्यों के स्पष्टीकरण के साथ साथ पर ब्रह्म के स्वरूप धाम व लीला का भी विस्तृत वर्णन है। आपका तीर्थ कौन सा है? परम धाम की दिव्य यमुना जी ही हमारा तीर्थ है। आप कौन से शास्त्र को मानते हैं? श्रीमद् भागवत को हम अपना शास्त्र मानते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म और उनकी आत्माओं द्वारा की गई ब्रज रास लीला का उसमें प्रमाण है। आपका ज्ञान कहाँ का है? हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का है, जिससे क्षर अक्षर से परे आत्मा और परमात्मा के स्वरूप धाम व लीला का ज्ञान होता है। आपके कुल का मूल कहाँ है? हमारे कुल का मूल पर ब्रह्म की आनंद शक्ति श्यामा जी हैं। हम आत्माएं उन्हीं की अंग रूपा हैं। आपके ज्ञान का फल क्या है? तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के अखंड सुखों की प्राप्ति होती है। आपका धाम कौन सा है? अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य ब्रह्मपुर ही हमारा धाम है। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितः। आपका निज घर कहाँ है? अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम ही हम आत्माओं का निज घर है। आपके संप्रदाय का नाम क्या है? हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद है। इसके प्रवर्तक कौन है? निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी इसके प्रवर्तक हैं, जिनके तन में विराजमान होकर पर ब्रह्म की शक्ति ने ये ज्ञान प्रकट किया है।
यदि आप सबके दिल में कोई और जिज्ञासा हो तो आप सब निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। नहीं, अब हमारे दिल में किसी प्रकार का संशय नहीं है। आपका यह अद्भुत ज्ञान सुनकर आज हम सब धन्य हो गए। किंतु हमारे हृदय में आपके स्वरूप के विषय में तीव्र जिज्ञासा हो रही है। कृपया अपने स्वरूप का यथार्थ परिचय देकर हमें कृतार्थ करें। यदि आप सब मेरे विषय में यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं तो आप सबको पुराण संहिता, भविष्य दीपिका, श्रीमद् भागवत, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र आदि ग्रंथों का अवलोकन करना होगा। अगाधाद्म्य जलधो पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महाम्भवद्धो ममज्य पुरुषोत्तमः। अज्ञानता के अगाध सागर में प्रियाओं के गिर जाने पर प्रियतम पर ब्रह्म स्वयं अपने कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे, अर्थात स्वयं प्रकट होकर अपने अलौकिक ज्ञान से उन्हें जागृत करेंगे। शाली वाहन शाकात तुगत शोरशकम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्किह प्रादुर्भविष्यति। शाली वाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए इस ब्रह्मांड में कल्कि स्वरूप का प्रकटन होगा। कलेरंते बुद्ध रूपी जनाना मनुकंपया अवतीर्यासिना ज्ञान रूपेणा छिद्य संशयम् धाम स्थाननु मंत्र यादो तेभ्यस्तत्व मुदीर्य च अर्थताश्च समादाय गमिष्यति निजालायम्। कलयुग के अंत में जागृत बुद्धावतार निज जनों के प्रति दया लाकर प्रकट होगा। ज्ञान रूपी तलवार से सबके संशय को छेद कर प्रथम उन्हें तत्व ज्ञान देगा और फिर सबको लेकर निजालय परम धाम को जाएगा। प्रसाद पतनम चैव तीर्थानम च यदाच्युतः तदा बुद्धो भविष्यतेति च मे निश्चयामतिः। बुद्धो वे कल्कि रूपा साविश्वरश्च परात्परः ज्ञानपारं प्रापयिता भविष्यति कलौयुगे। कलयुग में जब देव मंदिर तथा तीर्थ स्थानों का पतन होने लगेगा तब इस जगत में बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे। वे निष्कलंक बुद्धि से युक्त होने के कारण निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तथा परात्पर परमेश्वर कहलाएंगे और सब ज्ञान के रहस्यों को जानने वाले होंगे। कंचित कालम स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्तश्चरिष्यति धाम रूपः स्वयं साक्षात्कार को नात्र संशयः। विजयाभिनंदन बुद्ध जी कुछ समय तक पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करेंगे। वे स्वयं ही परम धाम के ज्ञानमयी स्वरूप होंगे तथा सबको उसका साक्षात्कार कराने वाले होंगे। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। निष्कलंक बुद्ध स्वरूप तेजोमयी ज्ञान के स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा के स्वामी हमें क्षमा करें, हम आपके स्वरूप को नहीं पहचान सके। अब हमें समझ में आ गया है कल रात पुच्छल तारा दिखाई देने का तथा इस वर्ष एक मास क्षय होने का अभिप्राय क्या है।
ये दोनों घटनाएं बुद्ध निष्कलंक कल्कि स्वरूप के प्रकट होने की महत्वपूर्ण निशानियों में से हैं। आज आपके दर्शन कर हम स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध जी की कल की स्वरूप की विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध जी की। इस प्रकार संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ के मेले में सभी आचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित किया और उनके नाम की शाखा भी चलाई।